Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Both garden in a club. दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 3ds Max के में आप क्लॉथ मॉडिफायर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये मैंने एक पहले बना कर रखा हुआ है, देखें कैसे कपड़ा बॉल के ऊपर आके गिर रहा है। इसके लिए सबसे पहले अब हम जाएंगे न्यू पेज पे, टी से टॉप, यहाँ पे एक कर लेंगे हम प्लेन ड्रॉ, सेगमेंट्स कर लेंगे हम 30, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक स्फीयर, मूव कर लियो ऊपर, इसके भी सेगमेंट्स 44 कर लें, भी बढ़ा लें, जरूरत तो नहीं वैसे। प्लेन को मूव कर लें ऊपर, प्लेन और बॉल को मिड में ले मूव करके यहाँ पे 0-0 कर दें। अब हम मॉडिफायर में जाएंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है क्लॉथ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में गए, प्लेन पे क्लिक किया, यहाँ से क्लॉथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टाइप ऑफ क्लॉथ है प्रीसेट्स, यहाँ से हम सिल्क सेलेक्ट कर लेंगे और जिस पर ड्रॉप होना है वो स्पेयर है, कपड़ा ड्रॉप होएगा वो स्पेयर है, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे क्लूजन ऑब्जेक्ट, ये क्लूजन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, इसके बाद सिमुलेट कर देना इसे। रिसेस स्टेट कर देना, इसके बाद हम इस पे यहाँ से एंड फ्रेम और सेल्फ क्लूजन पे टिक कर देंगे और यहाँ पे वन लिख देंगे। यहाँ से सिमुलेट पे टिक करना, यहाँ पे सिमुलेट पे क्लिक कर देना, आप इसे यहाँ से एनिमेशन बाद में प्ले कर सकते हैं।
मटेरियल अप्लाई कर ले, मटेरियल अप्लाई करना है इस पे। बिट मैप पे क्लिक किया, ओके डाल दिया, डेस्कटॉप पे मटेरियल की शॉर्ट की एम है, एम पे क्लिक किया और यहाँ से मटेरियल सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके इस पर ड्रैग कर देना। दोबारा हम प्ले करके देखते हैं। देखते रहें और सीखते रहें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। इस तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Like and share. Comment. Allah Hafiz. Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Bo, garden in a club. Where the